गाइज गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज निकल रहे हैं एक बहुत पुराना ऐतिहासिक किला है उसके लिए, और अभी हम रास्ते में हैं। मैं हूं और सोनू भैया हैं और एक भैया और आए हैं। और वो किला है ना बहुत मतलब बहुत प्राचीन काल से बना हुआ किला है, मतलब बहुत पुराना किला है। उसके बारे में वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स वगैरह समझाएंगे जो भी बताएंगे, और बाकी आपको पीछे पहाड़ वहाड़ और खेत पे दिख रहे होंगे। हम रास्ते में लोग किया क्योंकि मेरे घर से निकला था उस टाइम पे नहीं कर पाया, तो अभी निकलते हैं मतलब किले के लिए। अभी भैया लोगों से मिला लेता हूँ आपको कि मेरे साथ कौन कौन लोग आए हैं। और सोनू भैया आए, इनके चलन का नाम है सोनू एमडीएन, और ये मनीष भैया साथ आए हैं। और रास्ते में ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो सो गाइस अब निकलते हैं किले के लिए। वहाँ पे जो भी मतलब किले के बारे में जो भी पता है वहीं जाके दिखा के फिर समझाएंगे बताएंगे जो भी है। अब निकलते हैं किले के लिए, चलो। तो गाइस किले के पास पहुँच चुके हैं, मतलब हाजीपुर गाँव में, तो हाजीपुर का ही किला है, तो बस पहुँच जाएंगे वहाँ पर, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। चलो तो अब सीधा मिलते हैं किले पे। तो गाइस किले के पास पहुँच चुके हैं, जस्ट किला दिख रहा होगा आपको, मतलब पहाड़ की चोटी पे ये किला है। तो बस तो पहुँच गए वहाँ पे, और वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको वहाँ का भी मतलब किले का व्यू। चलो तो निकलते हैं वहाँ के लिए। इधर से आए थे हम लोग और अब टॉप पे आ चुके हैं, और यहाँ चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और ये बहुत प्राचीन काल का मतलब किला है, बहुत पुराना किला है और ऐतिहासिक किला है। और उसके खजाने वगैरह ऐसा कुछ बताया गया था जिनके मतलब सांप वाँप बड़े सांप रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं, खजानों को मतलब किसी को छूने नहीं देंगे। पहाड़ों के बीच मतलब टॉप फ्लोर पर रावली माला के बीचों बीच में है। और अब चलते हैं मंदिर के मतलब किले के ऊपर, और पहले मंदिर है फिर किला है ऊपर, और ये देख रहे होंगे आपको पहाड़ वहाड़ ये अरावली पर्वत माला है पूरी, और हम जंगल के बीचों बीच में है। तो चलते हैं ऊपर, मिलते हैं आपको ऊपर, चलते हैं निकलो। भाई हम इधर से आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस साइड से आए थे हम लोग, रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, और चारों तरफ एक पहाड़ वहाड़ दिख रहे होंगे। इधर से हम एंटर होके आए थे, और किले पे स्थित मंदिर मतलब किले पे जो मंदिर है अभी फिलहाल उस पर है, और चारों तरफ का नज़ारा जंगल है और पहाड़ है। इधर से सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको दिख रही होंगी, सीढ़ी से बाइक नहीं आ सकती थी तो हम इस साइड से आए थे, बाकी आपको व्यू दिख रहा होगा। मतलब आ चुके हैं, और पीछे मतलब जो यहाँ जो रहते हैं मतलब मंदिर में मतलब किले पे जस्ट जो मंदिर है वहाँ पे जो पुजारी रहते हैं उनके गाय भी रखते हैं जो कि आपको दिख रही होंगी। और जस्ट मतलब सामने एक दूसरा मंदिर है जो कि भैरव बाबा का है जो कि आपको दिख रहा होगा, दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट दिखाता हूँ। ये भैरव जी का मंदिर है, वो भी फेमस, मतलब यहाँ के गाँव के लोग सब भी लोग यहाँ पे आते हैं मंदिर में मतलब पूजा के लिए। और अभी किला काफी ऊपर है, चढ़ाई है काफी, तो अभी निकलते हैं तो ऊपर के लिए, और वो दोनों आगे आगे चल रहे हैं, मैं जस्ट उनके पीछे पीछे। ये बुर्ज है किले की जो कि मतलब बहुत मतलब जैसे हमारा बांसुर का किला था वैसे ही बुर्ज है, मतलब काफी ऊंची है जो भी मतलब सैनिकों के काफी काम आते। बाकी निकलते हैं ऊपर के लिए, किधर से रास्ता है वो देखते हैं। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं मतलब किले के मेन गेट पे, और भैया लोग आगे जा रहे हैं, मैं मतलब इधर का व्यू लेने के लिए रुक गए हैं जो कि गांव का दिख रहा होगा। चारों तरफ पहाड़ है रावली पर्वतमाला का, ये मतलब केंद्र है मेन। और अब चलते हैं मंदिर के मतलब सॉरी मंदिर नहीं, ये बुर्ज हैं जो कि वो चिंग टावर का काम करते, इतनी मोटी मोटी दीवारें। और अब चलो तो चलते हैं अंदर किले के, ये आले वाले दिख रहे हैं जहाँ पे मतलब चिमनी वगैरह मतलब मसाले वगैरह दिए वगैरह रखे जाते थे जिससे कि रोशनी रहती मतलब उजाले के लिए। और बाकी तो दिख रहा होगा इधर से अंदर एंटर होते हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ, ये नीमों का पेड़ रखा है, झाड़ियाँ हैं। ये किला पूरा खंडर हो चुका है, जैसे कि पेड़ वेड़ दिख रहे हैं, और बाकी दीवारें भी मतलब ढेल टूट गई, डैस हो गई, ढेल हो गई जो भी है वो देख लेना, पूरा दिख रहा होगा आपको अच्छे से। और खजाना नहीं चाहिए हमको, मैं सोरी नाक देता हूँ, खजाना नहीं चाहिए, हम ओनली वीडियो के पर्पज से आए हैं। और आपको यहाँ का व्यू अच्छे से दिखाता हूँ मैं एक बार, पूरा मतलब खंडर हो चुका है, जंगल टाइप का है। और अब चलते हैं आगे थोड़ा, इधर क्या है, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ की दीवारें जो कि आपको दिख रही होंगी ये पत्थर से चूने से मतलब तैयार की गई थी, जो कि मतलब काफी पुरानी थी और अभी तक तो मतलब ऐसा हो रखा है। और ये किले के वो चिंग टावर काम करते हैं जो कि दिख रही है आपको, ये 3 गेट दिख रहे होंगे,
और मतलब इसका मतलब था कि मतलब यहाँ पे जो भी राजा थे, मतलब जो भी राजा थे उनसे जो भी मतलब मिलने आते थे और जगह के मतलब राजा जो भी थे उनके गेस्ट वगैरह, तो ये यहाँ का हॉल था। मतलब यहाँ पे बैठक होती थी, मतलब बैठक होती थी, बैठक का मतलब आप सब लोगों को बताया, जहाँ बैठ के बातें बातें करते हैं, वो मतलब डिस्कस करते हैं जो भी कार्यक्रम होता था या फिर भी कुछ उत्सव होता था, त्यौहार होता था, तो उसकी डिटेल के लिए यहाँ बैठ के वो मतलब डिस्कस किया करते थे। बाकी ये एक चीज, इस पर एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको। और इधर सोनू भैया शूट कर रहे हैं, जो कि नीचे मतलब वो है मतलब कुआ जिसमें पानी कभी नहीं सूखता, और इधर गुफा है, और मतलब नीचे जो मतलब कि मतलब पानी का जो कुआ था उसका भी दिखाता हूँ आपको। और जैसे कि आप लोगों को पानी दिख रहा होगा, ये पानी एनी टाइम रहता है, इतनी गर्मी पड़ती है राजस्थान में, जैसे कि राजस्थान के लोगों को तो पता है कितनी क्या गर्मी पड़ती है, लेकिन ये पानी नहीं सूखता, एनी टाइम रहता है इसमें। हम जिससे कहते हैं ना, हमारे नीचे ही है कुआ पानी का, तो ये कभी ये फूट जाए, कभी अंदर चल जाए भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मजबूत कर रखा है, मजबूत तरीके से बनाया हुआ है भाई, जैसे नहीं है टेम्परेरी, आज के कारीगरों की जैसे आज से कई वर्ष पूर्व बहुत लेटेस्ट कारीगर हुआ करते थे हमारे देश के अंदर। और पीछे की दीवार दिखा दे, पत्थरों से कैसे चली गई थी, मतलब अच्छे से मतलब रिपेयर के रख के इसको ऊपर तक दिखा दे अच्छे से। इधर गुफा भी दिखा दे, इधर ये तीन गेट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब राजा लोग रहते थे या फिर उनके जो भी होते थे मतलब परिजन या फिर जो भी मिलने आते थे, यहाँ पे बैठक होती थी और जो भी उनका कार्यक्रम रहता था उसके बारे में डिस्कस करते थे। किले के लिए एंटर हो चुके हैं, अब रास्ता देखते हैं इधर से है या फिर किस साइड से है, शायद यही होगा, यही है क्या, मतलब पूरा खंडर हो रखा है यार ये तो अच्छे से। बाकी किले के अंदर आ चुके हैं, दो कुएं दिख रहे हैं जिनको मतलब अच्छे से कवर कर रखा है। तो गाइस यहाँ पे हॉन्टेड वाली फीलिंग आ रही है, हम मतलब इस टाइम तो आ गए लेकिन नाइट पे नहीं आ सकते, मतलब बहुत हॉन्टेड प्लेस है, और भूतों का तो पता नहीं, रहते नहीं रहते, पता नहीं फालतू के लोग बातें करते हैं, बाकी ऐसे हॉन्टेड जगह लग रही है। और मतलब एक कुआ ये रहा और एक कुएं के ऊपर मैं खड़ा हूँ, और ये भैया लोग वीडियो बना रहे हैं, और व्यू दिख रहा होगा आपको यहाँ का, ये भी कुएं का मतलब जो था। और गाइस मतलब ये पुराने टाइम में मतलब बहुत मतलब देखने वाला नजारा था, लेकिन अब तो पता नहीं कितने साल हो गए तो इस वजह से आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन अपने टाइम में ये ना बहुत खूबसूरत लगते होंगे। बाकी गेट वेट के मतलब जो भी बनावट डिजाइन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और इधर से भी को थोड़ा सा इसी कुएं का ही दिखा देते हैं, ये कुआ भी सूखा पड़ा है, और इधर वाला भी उसमें पानी था। और बाकी यहाँ का किले का व्यू दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि खंडर हो रखा है, लेकिन जिस टाइम में ये थे देखो गुम्बद वगैरह देखो इस टाइप का मतलब अच्छे से मतलब बना रखा था इसको उस टाइम पे। और मतलब ये यहाँ की मतलब जब बट्टी वगैरह थी जो भी था, और बहुत वो यार हॉन्टेड प्लेस जैसा लग रहा है, तो बिल्कुल खतरनाक। चलो तो गई जब ऊपर चलते हैं, यहाँ का भी आपको दिखा दिया, अब ऊपर से जाके दिखाते हैं। चलो तो गाइस ऊपर पहुंच चुके हैं किले के, चलो तो ऊपर से दिखाते हैं, ऊपर से भी दिखाते हैं। और इधर से ही एंटर होने के लिए मतलब कितना खूबसूरत गेट दिख रहा होगा आपको, और इधर से मैं एंटर देते हैं, गेट मतलब बढ़िया तरीके से कर रखा है। चलो तो चलते हैं थोड़ा आगे, दिखा देता हूँ। मतलब किले के टॉप पे आ चुके हैं, और ये मतलब हाजीपुर गांव है, और हाजीपुर किले के नाम से ये जाना जाता है किला। और ये फर्स्ट वुड थी, ये सेकंड थी, और थर्ड थी, जो कि किलों को अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। और इधर ये बड़ा वाले पहाड़ है जो आपको अच्छे से दिख रहे होंगे वीडियो में, और सुनो भैया भी अपना ब्लॉग बना रहे हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। और अब यहाँ का व्यू देख लीजिए, हम उधर से आए थे, मतलब इतना ऐसे घूम के फिर ऐसे मतलब पगडंडी वाला रास्ता पकड़ के फिर ऐसे घूम के अच्छे से फिर उधर से आए थे। मतलब ये मतलब देखिए दीवारें आपको अच्छे से दिख रही होंगी जो कि टूट फूट चुकी हैं। और मतलब यहाँ का कोई मतलब इतिहास पूछा तो यहाँ के लोगों से, उनको नहीं पता, उनको खुद को ही नहीं पता यहाँ का। और आप लोगों को मतलब काफ़ी अच्छा लगा यहाँ की वीडियो देख के, और मतलब खंडर वंडर हो चुके हैं पूरे, मतलब
जर्जर हालत हो रखी है और दीवारें जैसे आपको दिख रही होगी चूने से पत्थर से ऐसे मतलब निर्माण करके इनको बनाया गया था। और मतलब आपको यहाँ का जो खंडर हो रखा है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीज़ दिख रही है पूरा खंडर हो चुका है, मतलब हॉन्टेड प्लेस जैसा लगता है। और मतलब देख लो आप लोग कितना पहाड़ है, मतलब पहाड़ की चोटी के ऊपर किला था। तो बाकी जो जो मेरे को पता लगा यहाँ से मैंने बता दिया। तो गाइज आप आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, जितना था पता उतना आप लोगों को बता दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, निकलते हैं अब यहाँ से। वो डेंजर मतलब रास्ता था, मतलब जंगल के बीचों बीच से देखो इस ऐसे रास्ते से आए थे हम, देख पगडंडी टाइप का रास्ता है पूरा, मतलब उधर से घूम के आए थे, उधर वो मंदिर है उधर से निकल के ऐसे पहाड़ों के बीच से और पगडंडी वाला जंगल के बीच से आए थे पैदल पैदल। और इधर ये कुआं दिखाई दिया था आप लोगों को जो कि जिसमें पानी रहता है एनी टाइम। और ये यहाँ का गाँव है और मैं किले के बुर्ज पे खड़ा हूँ और मतलब काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा फील हो रहा है यहाँ के। और जिन लोगों को आना है अलवर ज़िले में है हाजीपुर गाँव में, और ये किला और किले का नाम भी हाजीपुर नाम से ही है हाजीपुर किला। तो आई होप आप लोग आना चाहिए और यहाँ पे आके मतलब इन्जॉय करना चाहिए, काफ़ी प्यारी प्यारी मतलब इतना शांत वातावरण है और इतनी प्यारी हवा चल रही है, मस्त मौसम हो रखा है। तो गाइस ये फ्रंट गेट था मतलब जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हम इधर से तो नहीं गए, इधर से बाइक नहीं जा पाती इस वजह से इस कच्चे वाले रास्ते से गए, जब बाइक ठेठ मतलब मंदिर तक पहुँच गई थी। और बाकी मतलब सामने की अरावली पर्वतमाला की पहाड़ आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, जो कि अब ग्रीन नहीं है क्योंकि अभी बारिश नहीं आई, बारिश के टाइम पे पूरे ग्रीन हो जाते हैं। और बाकी आपके मतलब बाकी गांव के खेत पे तो अच्छे से दिख रहे होंगे। बहुत तेरी बहुत खतरनाक रास्ता है यार, तो निकलते हैं घर के लिए, वीडियो कम्प्लीट हो चुकी है, यहाँ से हम निकलते हैं आए इधर से। तो पूरा घूम लिया भाई, किले का टूर तो आपको दे दिया, मतलब व्यू दिखा दिया। और बाकी अभी यहाँ का देखते हैं नीचे, मतलब अब देख रहे हैं किधर से निकलते हैं हम लोग, देखो कितना वो करना पड़ता है, इधर से निकलना पड़ता है, देखो कैसे मतलब झाड़ियों के नीचे से निकल के फिर आगे जाना पड़ेगा। तो भाई गाइस किले को घूम लिया, मंदिर भी जा चुके और इधर इसका फोटोशूट नहीं खत्म हुआ और इनका ब्लॉग भी खत्म नहीं हुआ पूरा, भी काफी और रह रखा है। तो दोनों तैयार हो चुकी है अब घर चलने के लिए, चलो चले चले चलो तो निकलते अब घर के लिए, बैठो। रास्ता बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना। इवनिंग हो चुके हैं किले पे, मतलब हम हाजीपुर जाके आया था और वो आपको मैंने वीडियो में दिखा दिया था, ब्लॉग में देखने को मिला होगा मतलब किले का सारा व्यू। और मैं घर पे आ चुका हूँ, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।